अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे बालकों, ये जो है तुम्हारा जो इकोनॉमिक्स का सेगमेंट चल रहा था, इसमें अगला चैप्टर तुम्हारा जो है निर्धनता एक चुनौती, पावर्टी एज अ चैलेंज, इसके बारे में पढ़ना है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है निर्धनता एक चुनौती या पावर्टी एज अ चैलेंज में, कि हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि चीज़ें क्या हैं और कैसे हैं। तो जब समझ जाओगे तो तुम्हें जो है उसको याद करने में भी आसानी होगी। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों से एक बात ज़रूर कह दूँ, मैं बार बार ये बात तुम लोगों से कह रहा हूँ, और कि देखो जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, उसको किताब में भी एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लो। बस बार ये मेरे पढ़ाने के बाद, जो मेरा ये लेक्चर है ये सुनने के बाद, जिस चैप्टर का भी सुना करो, तो सुनने के बाद उस चीज़ को किताब में भी ज़रूर पढ़ लिया करो। उसका फ़ायदा ये होगा, दो काम करो, या तो किताब में देख लो उसको, ठीक है, और पहले बाद में देख लो हमारे लेक्चर देखने के बाद, या हमारे लेक्चर को सुनने से पहले पढ़ लो, यानी पहले या बाद में कोई दफ़ा पढ़ लो, ताकि तुम्हारा एकदम फुल प्रूफ मामला रहे और इंशाल्लाह फिर तुम्हें कोई दिक्कत जो है एग्जामिनेशन के तौर पर ना होने पाए। तो आओ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉवर्टी इज़ अ चैलेंज का। आप सब जानते हो गरीबी, गुर्बत जो है बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि गरीबी होने पर इंसान के साथ कई चीज़ें जो है उसके ख़िलाफ़ जाने लगती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर गरीबी किसको कहा जाए, निर्धनता किस चीज़ को कहा जाए, गरीब किसे कहा जाए। तो देखिए, निर्धनता जो है ये एक स्थिति है जहाँ पर कि एक इंसान अपने ज़रूरत की बुनियादी चीज़ों को भी पूरा ना कर पाता हो तो फिर उसे निर्धन कहा जाएगा, गरीब कहा जाएगा। जैसे एक इंसान को दो वक्त की रोटी की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो दो वक्त की रोटी या खाना अपना नहीं वो कर पा रहा है, अर्न कर पा रहा है, कमा पा रहा है या खा पा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो गरीब में आएगा। एक इंसान की ज़िंदगी में अगर वो फैमिली वाला है तो उसके बच्चों को पढ़ने का मामला चाहिए, अगर वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हो और न पढ़ा पाने की स्थिति में हो तो उसे भी निर्धन कहेंगे। अब जाहिर सी बात है, पढ़ना पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी स्कूल की बात, एक जो आम स्कूल होते हैं, अगर उसमें भी नहीं पढ़ा पा रहा है वो, तो फिर तो वो निर्धनता वाले इसमें आ जाएगा, कंडीशन या स्थिति में आ जाएगा। एक चीज़ और होता है कि इंसानी ज़िंदगी में कम से कम उसके छत पर एक छप्पर हो जिसमें वो रह सकता हो, मकान, इसलिए आपने सुना होगा रोटी कपड़ा और मकान। ये बेसिकली रोटी कपड़ा और मकान यही डिफ़ाइन करता है कि आप गरीब हो या आप गरीब नहीं हो। तो इसमें जो मिनिमम है, कम से कम जो ज़िंदगी को जीने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए जितनी की ज़रूरत पड़ती है, वो भी अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप जो है निर्धन है। पहली बात तो ये है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो इसी सेगमेंट में है वो ये कि ये हमने कुछ टर्म्स लिखे हैं कि शहरी, ग्रामीण। अब देखिए, ये शहरी और ग्रामीण क्या है, दोनों जगहों पर निर्धनता का मामला जो है अलग होता है। जैसे शहर में भूमिहीन होना निर्धन होने की निशानी नहीं है, आप समझना बात को, यानी अगर आप शहर में हैं तो शहर में खेती तो हो नहीं रही है, खेती तो गांव में होगी ना, खेती तो शहर से बाहर होगी, गांव में आके खेती होगी। तो शहर में भूमि का ना होना ये भूमिहीनता नहीं है। तो शहर की जो निर्धनता है और गांव की जो निर्धनता है, इन दोनों में फ़र्क है। शहर की निर्धनता क्या है, अगर कोई आपके पास व्यवसाय नहीं है, जैसे बिजनेस में आपका दुकान है, फैक्ट्री है, इस तरह कोई काम है जहाँ से कि पैसा आ रहा हो, अगर वो नहीं आपके पास है, या नौकरी है, तो आप जो है फिर निर्धन हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ की निर्धनता ये चीज़ करती है डिफाइन। गांव में अगर हम लोग आएँ तो गांव में निर्धनता में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ज़मीन का होना या ज़मीन का ना होना है। अगर गांव में रहने वाली बात कर रहा हूँ मैं, इसको आप यूँ समझ, जो पढ़ लिया इंसान तो उसका अलग मसला हो गया, जो गाँव में रह रहा है, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है,
तो आप फिर गांव के अतबार से निर्धन हो जाएंगे अगर गांव में रहना है आपको। तो उसकी वजह क्या है कि गांव में खेती का जो मामला है वो खेती कहां पर होगी, ज़मीन पर होगी। तो मेरे बताने का मकसद क्या है कि शहर के निर्धनता में और गांव की निर्धनता में फ़र्क होता है। उस फ़र्क को हम लोग कैलोरी की शक्ल में भी देखेंगे, रुपये की शक्ल में भी देखेंगे। हम लोग आएँगे अभी कि निर्धनता का रेखा क्या है, जिसको BPL कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन आइए ये देखते हैं कि निर्धनता के कारण क्या क्या बनते हैं। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है ये सब निर्धनता के पॉसिबल कारण हैं, हो सकने वाले कारण हैं निर्धनता के। आप बस समझ रहे हो, जैसे भूमिहीनता। अब ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन नहीं है तो आप जो है निर्धन हो सकते हो। आप समझ रहे हो क्यों? अब गांव में किसी के पास 50 एकड़ ज़मीन है, तो जिसके पास 50 एकड़ ज़मीन है वो इंसान अपनी ज़िंदगी कम से कम, या 5 एकड़ ज़मीन है मान लीजिए, 50 एकड़ ज़्यादा हो गया, 5 एकड़ मान लो आप। आजकल कहाँ ज़मीन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, लोगों में वो होती जा रही है। 5 एकड़ मान लो, 10 एकड़ मान लो ज़मीन किसी के पास है, तो वो कम से कम उस पर खेती बाड़ी करके अपना अपनी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन किसी दूसरे इंसान के पास उसी गांव में 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं है, बल्कि ज़मीन ही नहीं उसके पास है, अब वो भूमिहीन है बिल्कुल, तो सोचिए उसकी हालत क्या होगी। वो किस चीज़ पर रिलाई करेगा, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, किस चीज़ पर जो है वो मुनहसिर हो पाएगा, उसका सहारा ले पाएगा वहाँ पर। गांव की अगर बात करें तो उसको तो मजदूरी दूरी करनी पड़ेगी, इनके खेत में, उनके खेत में, यहाँ खेत में, वहाँ खेत में। आप देखते हो, जानते हो, अभी हम लोग आएंगे कि हमारे देश में असुरक्षित समूह कौन कौन से हैं निर्धनता के अतबार से। तो भूमिहीनता, दूसरी बात बेरोज़गारी। बेरोज़गारी कहीं भी हो, शहर में हो, गाँव हो, कहीं भी हो, वो निर्धनता कारण बन सकती है। शहर में बेरोज़गारी का जो मामला वो डेंजरस है, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा जो मजदूर, अब ये बिल्कुल रिसेंट हुआ है अभी जो COVID-19 का जो चल रहा मामला, कोरोना का, इसके चक्कर में जो लॉकडाउन किया गया जिसमें बहुत असुविधाएं हुई लोगों को, बहुत परेशानियां हुई, मतलब तड़प तड़प के मरे लोग रोड पर। साफ सुनिए ये कि इसमें असुविधा तो सुविधा का मसला ही नहीं है, लोग तड़प तड़प के रोडों पर, सड़कों पर, रेल की पटरियों पर, नहर की पटरियों पर मरे हैं। बहुत सारे तो रिकॉर्ड्स ही नहीं है वो किए गए हैं, क्योंकि आप जानते हो जो रेगुलर मीडिया उससे कोई मतलब नहीं है, सोशल मीडिया पर चीज़ें आई तो वो भी उस तरह से नहीं पब्लिश हो पाई वो, या उस तरह से नहीं फ्लैश आउट हो पाई, निकल आ पाई बाहर। लेकिन बेइंतहा लोग मरे, इसमें कोई शक नहीं, जगह जगह मर मर के खप गए लोग, पता भी नहीं चला है। ये जो हुआ है इससे बताना मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब लॉकडाउन हुआ है तो शहर भी बंद थे, गाँव भी बंद थे। तो सवाल ये उठता है कि शहर से लोग फिर गाँव तरफ क्यों भाग रहे थे? आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि शहर में अगर आप बेरोजगार हो गए तो आपका जीना मुश्किल हो सकता है। गांव में तो कम से कम यह है कि कुछ नहीं है तो पेड़ है, छप्पर है, कहीं भी अपना उसके नीचे आदमी आसरा ले लिया, ठाव ले लिया। गांव में अभी भी आपस में एक दूसरे को लेकर काफ़ी सम्मान का भावना होता है लोगों में, काफ़ी एक दूसरे से मेलजोल होता है, एक दूसरे को लोग ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को जानते हैं लोग। चूँकि गांव जो होता है वो सदियों से चला आ रहा है, एक दूसरे की फैमिली को, ख़ानदान को लोग जानते हैं, तो एक दूसरे की मदद के लिए भी लोग सामने निकल के आते हैं। शहर में तमाम जगहों के लोग आते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, वो खुद भी क्या करें बेचारे, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, एक दूसरे को जानते तक नहीं है कायदे से। तो अभी आपने देखा कि ये जो गलत पॉलिसीज़ की वजह से, गलत नीतियों की वजह से, जो एकाएक जो है बगैर किसी तैयारी के लॉकडाउन का मामला कर दिया गया, कि जो हमारे मजदूर थे उन्हें, जो बेचारे यहाँ वहाँ थे, जो चाहते थे कि वहाँ से निकल जाएं, उनके निकलने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई, ठीक है, एकाएक सब कर दिया, बंद कर दिया गया। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि बेइंतहा जाने गई हैं, लाशें बिछी हैं, ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। वो तो अगर लोग बहुत सारे बाहर निकल के ना आए होते, और ये कहने में कोई वो नहीं है कि इसमें, इस देश में जब मजदूर बहुत ही
बुरी तरह से बिल्कुल परेशान था, जब वो बहुत बुरी तरह से हताश था, तो उस टाइम सहारा बन के इस देश में एक बहुत बड़ा समाज जो आया है वो मुस्लिम समाज आया है। वो जगह जगह गरीब से गरीब और अमीर से अमीर मुसलमानों ने जो हाथ बढ़ाया है, इसमें अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये देश और इतिहास इस चीज़ को नहीं भूलेगी। जो अभी कोरोना के संकट में जो हमारे मजदूर और हमारे देश के लोग यहाँ वहाँ फंसे थे, जो पानी के लिए, खाने के लिए, एक एक दाने के लिए तड़प रहे थे रास्तों में, उनको लेकर जो सहयोग, जो सहायता किया है इस देश के अल्पसंख्यकों ने, वो देश कभी भुला नहीं पाएगा। और कम से कम दूसरे लोग जो करना करते रहें, जिनके साथ हुआ है, वो तो कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो ये बताना मैं क्या चाह रहा हूँ कि बेरोजगारी होगी तो फिर निर्धनता का मामला उससे आएगा। फिर परिवार का आकार, अब जाहिर सी बात है, अगर छोटा परिवार है, एक दो लोग हैं परिवार में, तो उनका मेंटेनेंस, उनको जो है उनका देख रेख करना, उनके खाने पीने का, पिलाने का इंतजाम करना, यह आसान है बड़े फैमिली के मुकाबले में। लेकिन देखिए, परिवार का आकार निर्धनता का कारण वहाँ बनता है जहाँ ऑलरेडी वो परिवार निर्धन हो। ये बता दूं आपको मैं, परिवार का आकार जो है कि दो लोग हैं कि चार लोग हैं कि आठ लोग हैं कि दस लोग हैं कि बारह लोग हैं, ये निर्धनता का की वजह, ये निर्धनता का कारण वहाँ बनता है जहाँ वो परिवार पहले से ही निर्धन हो। ठीक है, वरना अगर फैमिली के पास पैसा हो, फैमिली के पास अपनी रोज़गार का मामला ठीक हो, पैसा रुपया हो, तो बड़ा फैमिली, बड़ी फैमिली जो होती है आकार के अतबार से, परिवार का जो आकार अगर बड़ा है तो ये अपने आप में ताकत है। ताकत क्यों है? क्योंकि रिसोर्स कई तरह के होते हैं। संपदा हम लोग पढ़ चुके हैं, संपदा में प्राकृतिक संपदा भी होते हैं, जैसे ज़मीन है, जैसे पानी है, जैसे आपके पास जो है लाइव स्टॉक्स है, मतलब पशु हैं जिसको आप पालते हो, ये सब संपदा हैं। ठीक है, ज़मीन के अंदर बहुत से संपदा हैं, ज़मीन के ऊपर बहुत से संपदा हैं, लेकिन इन सारे संपदाओं में जो सबसे बड़ी संपदा है वो मानव संपदा है, वो ह्यूमन रिसोर्स है। ये सबसे बड़ी संपदा है, ज़मीन है, इंसान नहीं है। उस ज़मीन से क्या फ़ायदा हो सकता है? क्या लोगे आप उससे? क्या पैदा कर पाओगे आप वहाँ से? कुछ बात समझ रही है? ये जो कॉन्सेप्ट है कि पॉपुलेशन खतरा है देश के लिए, ये सही बात नहीं है। जनसंख्या देश के लिए खतरा नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, हमने खुद अपने लाइफ टाइम में इधर 15-20 सालों में खेती बाड़ी के अतबार से एक क्रांति देखी। ये कि आज से 20 साल पहले, तकरीबन 20-22 साल पहले या 25 साल पहले मान लो, जिन खेतों में कम से कम 22-23 साल तो मान ही लो, 22-25 साल के आसपास, जिन हम लोग बचपन में देखा है हम लोगों ने, जिन खेतों में अगर एक एकड़ ज़मीन है मान लीजिए, वहाँ पर एक कुंटल अनाज पैदा होता था, तो आज उसी एक एकड़ ज़मीन में कम से कम 5 कुंटल अनाज पैदा हो रहा है। तो बात जो ऊपर वाला दे रहा, बात वो नहीं है। बात क्या है, जनसंख्या खतरा कब है? जब उसे शिक्षा ना दिया जाए, खतरा है। जनसंख्या खतरा कब है? जब उसे प्रशिक्षण न दिया जाए, खतरा है। जनसंख्या खतरा कब है? जब उसे स्वास्थ्य की सुविधाएं न दी जाए तो खतरा है। क्यों? वो पैरासाइट बन जाएगा, वो चूसक बन जाएगा, वो समाज के ऊपर बोझ बन जाएगा, यहाँ खतरा है वो। लेकिन अगर मानव संपदा पर मेहनत कर दिया जाए, मानव पर अगर ये चीज़ें उसको प्रोवाइड कर दी जाएँ, मुहैया करा दी जाएँ, अवेलेबल कर दी जाए, कि उसे शिक्षित किया जाए, उसका अरेंजमेंट किया जाए कि उसे शिक्षित किया जाएगा, उसे किसी चीज़ में प्रशिक्षण भी दे दिया जाए, अगर बहुत नहीं पढ़ना चाहता है तो किसी चीज़ में प्रशिक्षण दे दिया जाए, टेक्निकल हैंड हो जाए वो, और उसके सेहत ख्याल रखा जाए, स्वास्थ्य ख्याल रखा जाए। मैं आपको बताऊँ, वो शख्स जो है, वो इंसान जो है, वो एक संपदा बन जाएगा। तो बताने का मकसद मेरा क्या है कि परिवार का आकार मैटर नहीं करता है। बात यह है कि निर्धनता अगर है घर में तो परिवार का आकार जो है फिर उसको और ख़राब कर सकता है। लेकिन अगर पैसा है घर में कि इंसान खा सकता है, सर्वाइव कर सकता है, अच्छे से पढ़ सकता है, तो ज़्यादा बड़ा परिवार जो होता है फिर वो अपने आप में एक ताकत होता है।
ताकत इसलिए होता है कि मानव संपदा भी एक संपदा है, ठीक है, एक रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल, जिसका यूटिलाइजेशन किया सकता है। आप खुद देख सकते हो अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास पड़ोस में, जिन फैमिलीज में कई कई लोग हैं और वो शिक्षित हैं, ठीक है, तो वो फैमिली बहुत स्ट्रांग है, ताकतवर फैमिली है वो। तो ये जो है ये डिपेंड करता है इस बात पर कि परिवार जो है पहले से निर्धन है। बरगर ये इम्पोर्टेंट चीज, निरक्षरता, अनपढ़, न पढ़ा लिखा होना, इलिटरेट होना, ये खतरा है। उसकी वजह क्या है, जब इंसान पढ़ता है तो उसकी समझ, देखिए एक बात तो ये है कि अक्लमंदी एक चीज़ है, वो जाहिल भी अक्लमंद हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, और बड़ा पढ़ा लिखा भी जो है बेवकूफ़ हो सकता है, ये भी होता है। लेकिन पढ़ने लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप पढ़ते हो चीज़ों को तो आपके सोच का दायरा बढ़ता है, आपके देखने का दायरा बढ़ता है, क्योंकि इंसान वहीं तक देखता है जहाँ तक वो जानता है चीज़ों को। दुनिया में अगर हम लोग जैसे हम लोग हैं, आज हम लोग US जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया जानते हैं, कनाडा का नाम जानते हैं, ये सारी चीज़ जानते हैं, क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं सुना है, कहीं ना कहीं पढ़ा है इसके बारे में, तो हम लोग जानते हैं, टीवी में देखा है, रेडियो पर कहीं में सुना है। लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब US को लोग नहीं जानते थे, टिल द लास्ट डिकेड्स, आखिरी दहाई 15वीं सदी का जो है तब तक लोग US को नहीं जानते थे, जब तक वो एक्सप्लोर नहीं किया गया, उसको खोजा नहीं गया। तो क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था उसका। तो ज्ञान जो है आपके देखने की शक्ति को बढ़ाता है, आपके सोचने की शक्ति को बढ़ाता है, और अगर आपके पास ज्ञान है तो जाहिर सी बात है आप जो है अपने हेल्थ के बारे में भी समझ सकते हो कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आप अपने बारे में भी सोच सकते हो कि हम क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते हैं। आपको रोज़गार में भी आसानी हो सकती है। तो निरक्षरता जो है ये भी निर्धनता का एक कारण ये तो है। उसको ख़राब स्वास्थ्य या कुपोषण, अब देखिए ये भी, यहाँ भी एक बात है, कुपोषण का भी मामला वहीं होता है जहाँ पर निर्धनता हो पहले ही से, समझिएगा बात हो। लेकिन हाँ, ये निर्धनता को और आगे ले जाता है कुपोषण। क्यों? जैसे एक इंसान है, गरीब है, उस बेचारे के पास खुद भी खाने पीने कुछ नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है अपने बच्चे को क्या खिला पाएगा। अब बच्चे को जब न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिलेगा, जब पोषक तत्व नहीं मिलेगा उसको, पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा उसको, तो बच्चे में कमज़ोरी आएगी। जब बच्चे में कमज़ोरी होगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो उसकी होती है, जो इम्यून पावर होता है, लड़ने की क्षमता होती है बीमारियों से, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। जब कमज़ोर पड़ेगी तो बीमार पड़ेगा। जब वो बीमार पड़ेगा तो एक शख्स जो पहले से दो रोटी नहीं कमा पा रहा है, अब वही शख्स उन थोड़ी बहुत रोटियों को जो ले आ पा रहा था उनको भी काट के वो गोली लेके आएगा, मतलब इलाज के ऊपर खर्च करेगा। जो उसके खाने पीने पर खर्च हो सकता था, जो उसके पढ़ाई लिखाई पर खर्च हो सकता था, वो अब उसके स्वास्थ्य के इशू पर लेकर इलाज के लिए खर्च हो रहा है। तो ख़राब स्वास्थ्य का होना, दूसरी बात, आपके पास अगर टैलेंट भी है, आपके पास अगर खूबियाँ भी हैं, लेकिन पता चला कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, आप हमेशा बीमार रहते हो, तो आप उसका इस्तेमाल क्या कर पाओगे? एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम लोग इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं इसको, सपोज़ कर लिए मुझे ये चीज़ आती है, मैं आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन मैं बीमार हूँ। तो अगर मैं बीमार हूँ खुदा नखास्ता, तो मैं आपसे इंटरेक्ट कैसे कर पाऊँगा, आपसे बातचीत कैसे कर पाऊँगा? और जब मैं आपसे बात ही नहीं कर पाऊँगा तो मेरे खूबी का, मेरे टैलेंट का, मेरे नॉलेज का, मेरे ज्ञान का क्या इस्तेमाल है? समझना बात को आप। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप समझ रहे हो, कि इंसान का स्वास्थ्य अच्छा हो, खराब स्वास्थ्य ना हो। और एक बात सुन लीजिए, जितने लोग आप सुन रहे हो, इस टाइम जो COVID-19 का मामला चल रहा है, इसके हवाले से मैं आपको 3-4 बातें बता दूं। क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो, ये ज़रूरी है कि आपकी सेहत अच्छी रहे इंशाल्लाह, और आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे, ठीक है। और आपका अच्छे से पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको कंपटीशन देना है, और कंपटीशन सिर्फ देना नहीं है, कामयाब भी होना है इंशाल्लाह। तो ये 3-4 बातें मेरी कायदे सुन लो, चूँकि यहाँ पर स्वास्थ्य की बात उठी इसलिए बता रहा हूँ मैं। पहली बात,
जितने लोग मेरी बात सुन रहे हो और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सारे लोग एक बात तय कर लो कि सुबह के टाइम बगैर मुंह धुले, ब्रश व्रश किए बगैर, दातुन ब्रश जो भी है, आप सुबह के टाइम कम से कम 2-3 गिलास गर्म पानी ज़रूर पियो। इसलिए कि अब इस टाइम आप लोग हॉस्टल में नहीं हो, न इस टाइम आप जो है बाहर कहीं रह रहे हो, नहीं, सब लोग, ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों पर हो, वहाँ पी सकते हो। सब लोग सुबह में, और तुम भी पियो, अपने फैमिली वालों को भी समझाओ, सुबह का पानी गर्म पियो। मैं इसलिए समझा रहा हूँ, यहाँ पर बात स्वास्थ्य की उठी है, ठीक है। एक चीज़, तो इससे तुम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगे, और इस ये जो चल रहा अभी मामला कोविड का, इससे भी बहुत हद तक बचोगे। दूसरी बात, अपने खुराक में विटामिन सी का जो मादा है, मादी, तो उसको बढ़ाओ, मात्रा को बढ़ाओ विटामिन सी का। कैसे बढ़ाओगे? खाने के तौर पर, जैसे संतरा है, अंगूर है, ठीक है, अनानास है, ये सब खाओ। नहीं खा सकते हो कोई बात नहीं है, नींबू मिल सकता है, नींबू का पानी पी लो, शिकंजी बना के जैसे नींबू पी लो, ठीक है, ये मिल सकता, आम मिल सकता, कच्चा मिल सकता, कच्चा आम थोड़ा सा वो करके खा लो। आप बस रहे हो, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, साइट्रस टाइप की, साइट्रस फूड, सब में विटामिन सी होता है, विटामिन सी का इंटेक ज़रूर लो, बढ़ाओ। कुछ नहीं मिल रहा, आम ही खा लो, काफ़ी विटामिन सी मिल जाएगा। कच्चा आम जो होता है, पके आम में तो कम हो जाता है, लेकिन कच्चे आम में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, वो खाओ, नींबू पियो। ये दूसरी चीज़, अपने आहार में प्रोटीन बढ़ाओ, प्रोटीन का माध्यम बढ़ाओ। प्रोटीन से जो है तुम्हारा इम्यून पावर को मदद मिलती है, और प्रोटीन बढ़ाने के लिए आप जैसे दाल है, अंडा है, ये सब खा सकते हो, लेकिन सबसे बेहतरीन सोर्स, दुनिया का बेस्ट सोर्स जो है प्रोटीन का, वो रेड मीट है, जिसको लाल गोश्त कहते हो, बड़े का गोश्त है, उसके अलावा बकरे गोश्त है, लेकिन बड़े गोश्त में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओ, अपने आप को स्वस्थ रखो। अपने आप को जो है स्वस्थ रखोगे, हेल्दी रहोगे, तो अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे तो ही आगे कामयाब हो पाओगे इंशाल्लाह। तो ये 2-3 चीज़ें इसको ज़रूर करो, अपने घर वालों को भी कराओ, ठीक है। अब आ गया ये बाल श्रम। अब बाल श्रम क्या है? बच्चा नन्ना मुन्ना सा बच्चा बचपन में काम में लग गया, तो अब जब काम में लग गया तो पढ़ क्या पाएगा? जब पढ़ेगा नहीं तो छोटे मोटे काम करते ही बड़ा होगा, जब छोटा मोटा काम करते ही बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो फैमिली है, वो भी छोटे मोटे काम में ही उलझ के रह जाएगी। आप बस मैं कह रहा हूँ, मैं तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि वो शख्स जिसको, जो बाल श्रम का शिकार हुआ है, वो फिर तरक्की नहीं कर पाएगा, वो निरक्षरता में ही, वो निर्धनता में ही उसकी ज़िंदगी जो है वो कटती चली जाएगी। तो बाल श्रम ये भी एक कारण निरक्षरता, इसका निर्धनता का बनता है, और अल्टीमेटली असहायता। आपस में कोऑर्डिनेट, इसका, इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हमारे कंट्री में, हमारे देश में हमारे सिख भाई हैं, जो हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं, वो इसके सबसे बड़े मिसाल अपने आप में हैं। वो इसलिए कि हमारे सिख लोग जो है वो आपस में काफ़ी एक दूसरे को सहयोग करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये, और उनसे सबको सबक लेना चाहिए। क्योंकि हमारे सिख भाइयों में क्या है कि वो जो है कम्युनिटी के तौर पर अपने आप को जोड़ के रखा उन्होंने। अगर कोई इंसान गरीब है, कमज़ोर है, तो उसको वो लोग मदद करते हैं, उसको खड़ा करते हैं बिजनेस के लिए। इसलिए आपने देखा होगा, आप हिंदुस्तान में जिस एरिया में चाहो, जिस खत्ते में चाहो चले जाओ, आप कहीं भी सरदार को भीख मांगते हो नहीं पाओगे। वजह यह है कि उनमें आपस में सहयोग बहुत है, एक दूसरे की सहायता करते हैं। बताने का मकसद क्या है कि निर्धनता का एक और कारण असहायता है अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में। आप लोग भी जहाँ पर हो, हम हैं कहीं पर, हमारे पास जो हमको अल्लाह ने दिया है जो चीज़, वो हमें ज़रूर जो है दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने दूसरों तक चीज़ों को पहुंचाई, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम वो चीज़ किसी और तक लेके जाएंगे, किसी और को देंगे, तो उससे उसको मदद मिलेगी, और हमारे भी टैलेंट का, हमारे भी कैपेबिलिटी का, या हमारे भी सलाहियत का इस्तेमाल होगा। देखिए, अपने सलाहियत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत काबिल हैं, बहुत सलाहियत वाले हैं, लेकिन अपने सलाहियत का या काबिलियत का इस्तेमाल न कर पाने की वजह से वो नाम न बन पाए, या वो जो है समाज को न दे पाए जो दे सकते थे।
तो अपनी आप जहाँ भी हो वहाँ एक दूसरे सहयोग करो, सहायता करो। जैसे आप लोग अभी घर पर हो, मान लो कोई आसपास पड़ोस में गरीब बच्चा है, क्लास 4 में है, 5 में, किसी क्लास में है, आप अगर उसे कोई सहयोग दे सकते हो, कोई चीज़ पढ़ा सकते हो, पढ़ा दो उसको। आप समझ कह रहा हूँ मैं, अगर गरीब है अब वो आपको पैसा नहीं दे सकता है तो जाहिर ट्यूशन कहाँ से करेगा बेचारा। आप कुछ नहीं, आप उसको बैठा के पढ़ा दो उसको, आप डेली एक घंटा उसको दे दो। ये जो एक घंटा दोगे आप, ये आपका इन्वेस्टमेंट है और ये आगे आपकी जिंदगी में बड़ा काम आएगा। समझिए, तो ये चीज़ है असहायता वाली जो बात हमने बताई आपको निर्धनता के लिए। तो आपस में असहायता से नहीं बल्कि एक दूसरे की सहायता करके काम करिए, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करिए। इससे जो है आप खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी चेहरों पर खुशी लाने का जो है आप सबब या बायस बन पाएंगे। तो ये बात समझ आ गई कि निर्धनता के लिए इन चीज़ों का भी किस तरह से जो है इन्वॉल्वमेंट है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। अब जो आपने अक्सर सुना होगा निर्धनता रेखा, इसी को हम लोग कहते हैं BPL। क्या कहते हैं? BPL, ये बिलो पॉवर्टी लाइन जो है जिसको निर्धनता रेखा कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, आप सब जानते हो निर्धन रेखा, ये है क्या चीज, इसको समझना है। हमारे देश में निर्धनता रेखा जो है जो तय होता है, ये कौन करेगा? मैं करूंगा, आप करोगे या हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति करेंगे? नहीं, हमारे देश में एक सरकारी संस्था है जिसका नाम है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये NSSO जो है ये काम करती है इस बात पर कि और तय करती है कि जो हमारे देश में निर्धनता रेखा है वो किस उस पर लेवल पर होना चाहिए, निर्धनता रेखा से ऊपर कितने लोग हैं, निर्धनता रेखा के नीचे कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ जो तय करती है और इस पर काम करती है उसका नाम है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यही NSSO, इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। आप देख सकते हैं लिखा है मैंने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये काम करती है इस बात पर कि निर्धनता रेखा क्या होनी चाहिए, निर्धनता रेखा कहाँ पर तय की जाएगी, निर्धनता रेखा से नीचे कितने लोग हैं, इसके ऊपर कितने लोग हैं, इस चीज़ को हमारे देश में तय करने वाली जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसी को हम लोग कहते हैं NSSO, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। अब इसने तय क्या किया वो समझ लीजिए। दो पैरामीटर्स हैं जिनके बुनियाद पर हम ये तय करते हैं कि कौन निर्धनता रेखा से ऊपर है, जिसे ये रेखा मान लीजिए, इसके ऊपर कौन है, इसके नीचे कौन है, ये तय करने के लिए दो पैरामीटर लगाते हैं। एक तो हम लोग लगाते हैं कैलोरी का, ठीक है, यानी खुराक के एतबार से कैलोरी, ताकत, मतलब आप कितना ताकत ले रहे हो, एक आप जानते हो स्केलिंग सिस्टम है, मापने का तरीका है ये। तो अगर शहर के क्षेत्र में शहर में अगर 2100 कैलोरी एक इंसान एक दिन में ले पा रहा है अपने खुराक के तौर पर, एक दिन में 2100 कैलोरी, तो इसको जो है निर्धनता रेखा से ऊपर रखा जाएगा। लेकिन अगर 2100 से नीचे आता है, 2100 कैलोरी से नीचे आता है, तो उसी शख्स को फिर आप जो है निर्धनता रेखा से ऊपर नहीं मानोगे, उसको नीचे मानोगे, यानी वो BPL कहा जाएगा। यानी इसके जस्ट नीचे आते ही आप BPL हो जाओगे, बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाओगे, यानी निर्धनता रेखा के नीचे आ जाएंगे आप। एक बात, ये बात हुई शहर में खुराक के एतबार से, तो याद रखना है ये 2100 कैलोरी शहर की खुराक की बात होगी तो, और अगर शहर के एतबार से रुपए की बात होगी तो 1000 रुपया कमाने वाला शख्स, 1000 रुपया जो एक महीने में कमा पा रहा है, यानी एक दिन में 33, हम लोग भी बात करेंगे इस पर कि ये कितना मजाहिया है, कितना मजाक का खेज है, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए आप कि शहर के क्षेत्र में अगर खुराक के एतबार से 2100 कैलोरी अगर एक इंसान खाता है, खा पाता है, तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा, निर्धनता रेखा के नीचे नहीं माना जाएगा, या पैसे के एतबार से 1000 रुपया वो एक महीने में प्रति माह
एक महीने में कमाता है तो उसे भी गरीब नहीं माना, मतलब निर्धनता रेखा से नीचे नहीं माना जाएगा, निर्धनता से ऊपर रखा जाएगा, वो गरीब समझ नहीं माना जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खाने के एतबार से 2400 कैलोरी, आप जानते हो गांव में फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, शहर में फिजिकल वर्क कम होता है। गांव में छोटे मोटे काम के लिए भी लोगों को काफ़ी लंबा जाना पड़ जाता है, शहरों में ज़्यादातर लोग जो व्हीकल यूज़ करते हैं, साइकिल यूज़ करते हैं मतलब चलने के लिए। तो यहाँ पर शहर में जो फिजिकल वर्क है, जो शारीरिक श्रम है, वो कम होता है, और गांव में, ग्राम में या गांव जो भी कहिए, वहाँ पर शारीरिक वर्क, शारीरिक जो है श्रम ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए गांव में 2400 कैलोरी अगर एक इंसान एक दिन में खा पाता है तो उसे जो है फिर जो खते गुर्बत है, निर्धनता रेखा जो है उसके ऊपर रखा जाएगा। दूसरी बात, अगर पैसे की बात आए तो एक महीने में वो अगर 816 रुपया कमाने में, अब देखिए आप कमाने में कामयाब हो जाता है तो वो फिर उसके ऊपर रखा जाएगा। तो ये आपके बात हुई निर्धनता के समूह के, निर्धनता के एतबार से कि इनका खुराक के एतबार से क्या होगा निर्धनता रेखा और क्या माना जाता है, और पैसे के एतबार से क्या माना जाता है। तो खुराक के एतबार से तो आप देख ही रहे हो, और पैसे के एतबार से ये है शहर में और ग्रामीण एरिया में फ़र्क, शहर और गांव में फ़र्क। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो आप 1000 देख रहे हो, आप सोच सकते हो एक इंसान शहर में 1000 रुपया कमाने वाला वो BPL से ऊपर हो सकता है, आप समझ रहे हो 1000 से ऊपर। एक शहर में एक मामूली सा झुग्गी भी अगर लेता है इंसान तो उसका भी उसको कम से कम 500-700-800 रुपये देना पड़ जाता है, आप समझ रहे हो। ये एक तरह का भद्दा मजाक है NSSO की तरफ से। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अब लोग कहते हैं साहब कि जो है आइए हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो BPL का कॉन्सेप्ट रखा गया, निर्धनता रखा गया, वो क्या चीज़ है। वो पर डे 1.5 डॉलर, डॉलर समझते हो आप ना, 1.5 डॉलर, यानी अगर भारत के रुपए की बात की जाए तो इसमें तकरीबन आज का जो चल रहा है मामला उसमें तकरीबन 110 रुपए के आसपास आ जाएगा ये प्रतिदिन। तो एक महीने में आप समझ सकते हो तकरीबन 3000, ठीक है 300 रुपया जो कमाएगा। अब आप कहाँ 1000 और कहाँ 3300, फर्क है 1.5 डॉलर, 7 और 7 3 10, ठीक है 120 के आसपास आ जाएगा ये तकरीबन, यानी अगर ये दर बात की है 3 2 6, ये 3600 के आसपास आ जाएगा, आप समझिएगा बात को। इतना रुपया अगर इस पैरामीटर को इंडिया में लगा दिया जाए हमारे देश में, तो हमारे देश में जो BPL दिखते हैं आपको, इनकी एक पूरी लाइन दिख जाएगी, आप समझ रहे हो। तो ये है गेम, ये इसलिए मैंने कहा कि एक भद्दा मजाक है ये। गांव में देख लो प्रतिदिन जो है आपके 28 रुपया भी नहीं पड़ेगा, 27, अब देख ही सकते हो आप 30 से इसको डिवाइड कर दो। तो ये अंतर्राष्ट्रीय, इसी पैरामीटर को पाकिस्तान ने अडॉप्ट कर रखा है, यह बात याद रखिएगा आप, इंटरनेशनल पैरामीटर को। दूसरी बात, दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबी का जो मामला है वो कहाँ है, किस एरिया में है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो सब सहारा जो आप जानते हो अफ्रीका में, अभी हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे ज्योग्राफी का जब आएगा मामला, अफ्रीका में जो इक्वेटर है ठीक है उसके ऊपर जो ये सब सहारा रीजन पढ़ते हैं, सब आपने सब देखा होगा युगांडा रवांडा ये सब जो पढ़ते हैं ना सब, उस पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है इन एरियाज़ में, जो आपके सहारा का एरिया पड़ता है अफ्रीका में। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि सबसे ज़्यादा गुर्बत का मामला किस एरिया में है, किस रीजन में है, तो सब सहारा अफ्रीका के रीजन में है। अगली इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें आखिर बात आपके लिए होगी वो ये कि असुरक्षित समूह कौन कौन से हैं। तो देखिए हमारे देश में निर्धनता को लेकर, गरीबी को लेकर जो असुरक्षित समाज है उसमें एक तो दलित है, जिसको आप शेड्यूल कास्ट कहते हो, अनुसूचित जाति,
ये सारे लोग इसलिए आते हैं कि इनके पास ज़मीन नहीं है, गांव में रहते हैं बेचारे, अब ज़मीन नहीं है तो इनके पास जो है गुर्बत का मामला होता है। तो असुरक्षित समूह में सबसे पहला नाम जो आएगा वो अनुसूचित जाति का आएगा, अनुसूचित जनजाति का आएगा, जिनको आप जो है आदिवासी कहते हो, जो ट्राइबल्स होते हैं जो जंगलों में रहते हैं ये। फिर असुरक्षित समूह निर्धनता के अतबार से जो आएगा तीसरा वो ओबीसी आते हैं। हमारे देश में ओबीसी जिनको आप जो है पिछड़ा समाज कहते हो, अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हो, चाहे वो मुसलमान में हो चाहे हिंदू में हो, आज भी हिंदुस्तान में जो अगर ज़मीन की बात की जाए, अगर भूमि की बात की जाए तो लैंड होल्डिंग ज़मीन कर जो जिनका कब्ज़ा है ज़्यादातर, वो ज़्यादातर ज़मीनें बड़े कास्ट के पास हैं, वो चाहे मुसलमान में हो चाहे हिंदू में हो किसी में हो, आज भी मैं ये नहीं करूँगा सब उन्हीं के पास है, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं के पास है। तो यहाँ पर चूंकि देखना हम लोग असुरक्षित समूह के बारे में है, तो असुरक्षित समूह में आप बहुत आसानी से ये कह सकते हो कि हमारे देश का अनुसूचित जनजाति, हमारे देश का अनुसूचित जाति यानी हमारे देश का आदिवासी, हमारे देश का दलित और हमारे देश के ओबीसी जो पिछड़ा समाज है, ये लोग ज़्यादा असुरक्षित हैं अगर बात की जाए निर्धनता की। तो इतनी सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई, अगर इसको आप थोड़ा सा गौर से देख लोगे, सुन लोगे, समझ लोगे और एक दफ़ा अपनी किताब में ज़रूर देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह रहमान आपका जो है ये सेगमेंट छूटेगा नहीं और आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर अभिनंदन, जम के पढ़िए, मेहनत करिए, अल्लाह हाफिज़।